हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग का बीच जो मुकाबला T20 के खेला जाएगा उनके बारे में। और ये खेला जाएगा इंडियन समय अनुसार शाम को 7:30 बजे। ये मुकाबला होगा 65वां। अभी तक कुल 64 मुकाबला हो चुका है, अब ये 65वां मुकाबला खेला जाएगा। 65वां मुकाबला खेला जाएगा जो राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग का बीच। इन दोनों का बीच में जो मुकाबला होगा वह मुकाबला कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा, स्ट्रॉन्ग कौन सा टीम है, कमज़ोर कौन सा टीम है, क्या पिच बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच, अगर बैटिंग पिच है तो कौन सा बैट्समैन को अपनी टीम में रखना चाहिए और कौन सा बैट्समैन को ड्रॉप करना चाहिए, हेड टू हेड रिकॉर्ड किसे अच्छा है, कौन सा प्लेयर होगा जो डर्म कार्ड यूनिक होगा, कौन सा प्लेयर होगा जो सेव होगा, ज़्यादा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। विदाउट बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन में बात करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में सबसे पहले विकेट कीपर राजस्थान रॉयल की तरफ से अभी फॉर्म में चलने वाले जो है संजू सैमसन है, काफ़ी फॉर्म में चल रहे हैं, इसकी फॉर्म की तुलना नहीं है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है और रिसन के मैच अच्छा है, लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसे ग्राउंड सूट नहीं करता है। इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए अगर आप संजू सैमसन को सिर्फ अपने टीम में रख सकते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन ना दे वो भी ठीक रहेगा। और दो रीजन से कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं देना चाहिए, एक के सेलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई हो गया है और ये ओपनर है, डन कार्ड यूनिक होगा, 3 नंबर में बैटिंग आएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जॉनी बेस्ट। जॉनी बेस्ट का रिसन के फॉर्म ठीक ठाक प्रदर्शन किया है और अच्छे खासे उम्मीद इनसे लगा सकते हैं जॉनी बेस्ट का। और यहाँ पर देखिए पीसल भाई, पी सिंह जो है खेला नहीं है इस टीम के अगेंस्ट, लेकिन रिकॉर्ड ठीक ठाक है, खास प्रदर्शन नहीं किया है, रिसेंट के मैं फ्री रहे ये नहीं खेला है। अब देखिए बैकअप और प्लेयर के लाइनअप में नाम शामिल है जगदीश शर्मा, जिसे आप लोग जे शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। जे शर्मा को आप अपनी टीम में किसी भी प्रकार से आप लोग लेना चाहिए, क्योंकि जे शर्मा को आज पूरा का पूरा चांस मिल सकता है, साथ ही साथ अगर मिलेगा तो दो मुकाबले खेले हैं, दो मुकाबले में से दोनों मुकाबले में अच्छे खासे प्रदर्शन किया है हेड टू हेड। अब ये 4 विकेट कीपर है, 4 विकेट कीपर में से आप लोग चारों को तो नहीं ले पाएंगे, 4 में से 2, 1, 3 जो लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग मेगा जीएल का रिक्शे टीम जो भी टीम बनाते हैं उन टीम के आधार पर आप अपने टीम में इसे क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं कहूँगा संजू सैमसन को लीजिएगा जरूर, लेकिन कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ना दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अब बैट्समैन में आते हैं जसवाल। आज के मैच में जसवाल का बल्ला चलने का उम्मीद और संभावना है। आज मैं अपने टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन जसवाल को दूंगा, भले इनका बल्ला चले या ना चले, लेकिन यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन जसवाल होगा, ओपनर होगा, दो क्वांटिटी है, एक तो उतरने का चांस है, ओपनर है, हिटर बैट्समैन है, अगर ये कैच आउट नहीं हुआ तो समझिए अच्छे स्कोर कर जाएगा, इसलिए जसवाल को अपने टीम में कोई भी हाल में रखना हो, चाहे हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग मेगा जीएल का रिक्शी टीम जो भी टीम बनाते हैं उन टीम में जसवाल को अपने टीम में जरूर रखिएगा। अब यहाँ प्रोमो पावर का लाइनअप में तो नाम शामिल कर दिया है, लेकिन खेलने का मौका इन्हें नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हेड माइड खेलेगा नहीं एच सिंह भाई, इनका रिकॉर्ड अच्छे हैं, एच सिंह का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी लाजवाब है, जो कि पंजाब किंग की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट देकर गया है, जिस तरह से इनका बैटिंग ऑर्डर है उस प्रकार से ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अब चलिए उससे पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग पिच है, गुड फॉर स्पिनर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 180 है,
वेन्यु पर भी बरसका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में बरसपरा क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में खेला जाएगा। ये स्टेडियम काफ़ी लाजवाब है और यहाँ पर हाई स्कोर 240 बन सकता है, लो स्कोर की बात करें तो 160 बन सकता है। जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे उनको 160 से 70 के बीच रहेगा, जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगा वो उनके 60 से 65 के बीच में रहता है। लेकिन ज़्यादातर चेस्ट करना आसान तो नहीं हुआ है, लेकिन सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना काफ़ी लाजवाब है और अच्छे खासे रहने वाले हैं। अब इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए आप अपने टीम में किसी भी प्लेयर को रख सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है धवन खेलेगा नहीं टिक वर्कंड भाई, इनका लाइनअप में नाम शामिल है नहीं है, लेकिन खेलने का अगर चांस मिल जाए डर्म कार्ड यूनिक प्लेयर के रूम में रहेगा और अच्छे खासे प्रदर्शन कर देगा। आर रोसे का 3 नंबर में बैटिंग ऑर्डर है, लेकिन रिसेंट के मैच ये बुरी चल रहा है, इनका खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है और ये अच्छे स्कोर अच्छे बल्लेबाज है, इस आईपीएल के दौरान फ्लॉप्स हो रहा है। अभी भी एक मैच में अच्छे खास प्रदर्शन करने के कारण सेलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई हो गया है। धर्म कार्ड यूनिक राजस्थान के तरफ से डी योरल है जो अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा, ठीक ठाक उम्मीद लगा सकते हैं। हर एक मैच में इन्हें मौका मिला है, इनका बैटिंग ऑर्डर 4 से 5 नंबर में आने के बावजूद भी यूनिक प्लेयर के रूम में शामिल होगा, कभी भी लंबे स्कोर कर देता है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 बैट्समैन में से आप लोग किसी बैट्समैन को ट्राई कर सकते हैं, अगर ज़्यादा सेव लेना चाहते हैं रिक्सेवल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं, पिच रिपोर्ट नहीं इस ग्राउंड का रिसेंट के मैच बता देते हैं। पिच रिपोर्ट तो बता दी है और इस ग्राउंड पर रिसेंट के मैच कितने खेले हैं, इस ग्राउंड पर रिसेंट के मैच 7 खेले हैं, 7 में 3 जो है बैटिंग फर्स्ट किए हैं वो जीते हैं, 3 बैटिंग सेकेंड करने वाले जीते हैं, 1 नो रिजल्ट रहा है। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मुकाबले कितने खेले हैं, दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मुकाबले 27 खेले हैं, 27 मुकाबले में से 16 मुकाबले राजस्थान रॉयल जीते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और पंजाब किंग मात्र 11 मुकाबले जीते हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और पंजाब किंग का हाल फिलहाल का मैच में 5 मुकाबले खेले हैं हेड टू हेड, 5 मुकाबले में से पंजाब किंग मात्र 1 मुकाबले जीते हैं और बाकी राजस्थान रॉयल जीता है। अभी राजस्थान रॉयल काफ़ी फॉर्म में है, लेकिन पंजाब किंग का 2-3 बॉलर ऐसा है जो कि राजस्थान रॉयल पर भारी पड़ने वाला है, उनके बैट्समैन पर, उनका ऑलराउंडर पर, वह बॉलर के भी बारे में बताएँगे और साथ ही साथ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बारे में भी बताएँगे। यहाँ पर आर परेरा भाई ये 3 से 4 नंबर में इनका बैटिंग ऑर्डर है और ये स्पिनर है और इन्हें पूरा का पूरा 4 ओवर करने का मौका मिलता है। इस कंडीशन में तो आर परेरा अच्छे खासे रहेगा, बैटिंग ऑर्डर भी ठीक ठाक है, रिसेंट के फॉर्म भी अच्छे हैं और राजस्थान तरफ से है ओपनर है। अब श्रम करण तो इस टीम के खिलाफ 1 मुकाबले खेले हैं, 1 विकेट मिला है, भेन्नू पर ऐसे खेला है 1, लेकिन रिसेंट के मैच में विकेट नहीं मिला है। श्रम करण का सलेक्शन परसेंट हाई है, इनका अंदर काबिलियत है, कभी भी 2-3 विकेट ले सकता है, कभी भी बैटिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है। अब आर अश्वानी भाई इस आईपीएल के दौरान रिसेंट के फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है, पहले इनका फॉर्म बुरी थी लेकिन अभी अच्छे खासे चल रही है। अब यहाँ पर फॉर्म आर अश्वानी एक अच्छा स्पिनर है, भले इनका विकेट ना मिले लेकिन पिटाई कम होता है और कभी काल इन्हें पिटाई हो जाता है, लेकिन इस आईपीएल के दौरान ईगो बहुत कम है, विकेट भी निकाल रहा है, अच्छे खासे फॉर्म में है, ये फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग दोनों इनिंग में बॉलिंग करता है तो अच्छे खासे विकेट लेकर जाता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं ये 3 ओलंडर है, 3 ओलंडर में अभी लाइनअप में नाम शामिल है, इन 3 ओलंडर में से आप लोग किसी को ट्राई कर सकते हैं। आज जो है खेलने का चांस पंजाब किंग की तरफ से सिकंदर राजा है, सिकंदर राजा इस आईपीएल के दौरान खास फॉर्म में नहीं है, कभी अच्छे स्कोर करता है कभी नहीं, रिसेंट के मैच काफ़ी बुरी चल रहा था। अब यहाँ पर इन 3 ओलंडर में से 2 ओलंडर या 1 ओलंडर जिसे भी रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग मेगा जीएल
का रिक्सी टीम जो भी टीम लगाते हैं तो यूनिक प्लेयर रिक्सी प्लेयर चूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो आप लोग पूरा दीजिएगा तो टॉस होने के बाद कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं होगा टीम क्रिएट करने में। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में भाई चहल जो है इस टीम के खिलाफ दो मुकाबले खेले हैं लेकिन पिटाई खूब हुआ है। पंजाब किंग चहल को इतना पिटाई करता है नाम ना लीजिए। पंजाब किंग का बैट्समैन चहल को काफ़ी पिटाई करता है और इन्हें विकेट भी कम मिलता है। एक एक विकेट लिया है, खास नहीं लिया है, लेकिन ग्राउंड स्पिनर दर्शा रहा है और रिकॉर्ड भी अच्छे खासे विकेट टेकर है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हर्षल पटेल। भाई हर्षल पटेल विकेट लेने में इस आईपीएल के दौरान काफ़ी नाम किया है। विकेट लेता है एक विकेट नहीं, दो विकेट नहीं, तीन तीन विकेट, तीन तीन विकेट, तीन दो से कभी कम लिया नहीं, चार चार विकेट लिया है। अब ट्रेंट बोल्ट इस टीम के खिलाफ खेले हैं लेकिन पिटाई ज़्यादा होता है और सन के मैच में खास विकेट नहीं ले रहा है, एक विकेट से इन्हें ज़्यादा नहीं मिल रहा है। संदीप शर्मा अच्छे खासे विकेट टेकर है और चाहे ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे या सेकेंड इनिंग में, ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा में से आप लोग किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। भाई हरदीप सिंह जो है इस टीम के खिलाफ खेला है, एक मुकाबले में 5 विकेट निकाले हैं, उसके बाद देखिए विकेट नहीं मिला है, 2 विकेट 1 विकेट निकाले हैं और डर्न कार्ड यूनिक होगा, ठीक ठाक रहेगा। अब कागज रबाडा भाई फर्स्ट इनिंग में एक विकेट तो नहीं लेता है लेकिन कागज रबाडा सेकेंड इनिंग में विकेट मिल सकता है और डर्न कार्ड यूनिक के साथ साथ रिक्सेबल बॉलर के रूप में रहेगा। अवेश खान भाई इस टीम के खिलाफ खेले नहीं है लेकिन अवेश खान का फॉर्म अच्छे हैं और यहाँ पर ठीक ठाक कर सकते हैं। दीपक चहल भाई दीपक राहुल चहल अच्छे खासे बॉलर है और रिसेंट के फॉर्म थोड़ा बुरी चल रहा है जिसके कारण इन्हें सेलेक्शन परसेंट कम कर दिया है। भाई इन 8 बैट्समैन में से बॉलर में से इनका भी खेलने का चांस इंपॉर्टेंट है। कागज रबाडा के जगह अभी लाइनअप में नाम जिसका शामिल है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। वी प्रयन का लाइनअप में नाम शामिल है, अगले मैच में पिटाई तो हुआ लेकिन 2 विकेट निकाल के गया है जिसके कारण इनका सेलेक्शन परसेंट थोड़ा बहुत बड़ा है और ये पूरे 4 ओवर डालता है। इस कंडीशन का ध्यान रखते हुए इन्हें अपने टीम में शामिल जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए खास नहीं, अब यहाँ पर 8 बॉलर है, ध्यान से देखिएगा ये 8 बॉलर का रिकॉर्ड अच्छे हैं। 8 बॉलर में से 4 बॉलर डर्न कार्ड यूनिक है, 4 बॉलर रिक्स सेव है, इसलिए आप लोग यूनिक के साथ जाना चाहते हैं या सेव के जाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा और 8 का 8 रिकॉर्ड अच्छे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग ग्रैंड लीग का सेव टीम, ग्रैंड लीग का रिक्स टीम जो भी टीम बनाना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट ऑलराउंडर के रूम में जो तो बता दिए हैं, अब मैं आप लोगों को टीम क्रिएट करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर बैटिंग पिच दर्शा रहा है और यहाँ पर रन भी बनेगा। संजू सैमसन का इस आईपीएल के दौरान फॉर्म अच्छी है, मैं अपनी टीम में पिक कर लेता हूँ लेकिन सेलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई हो गया है, इसे ग्राउंड सूट नहीं करता है, कैप्टन और वाइस कैप्टन ना देना है और विकेट कीपरिंग, इसका बाद दो ऑप्शन है, एक तो विकेट कीपरिंग से आपको पॉइंट देगा, दूसरे बात इनका बैटिंग ऑर्डर 3 नंबर में है, बहुत आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पर ढैज बैन और अच्छे खासे हैं ये बॉल बैट्समैन, इसलिए मैं अपने टीम में रख रहा हूँ। अब जॉनी बेस्ट को ले लेता हूँ अपने टीम में, ये 2 विकेट कीपर को मैं अपने टीम में रखा हूँ, 2 विकेट कीपर को मैं अपने टीम में रख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जॉनी बेस्ट को लिया हूँ, ये दोनों ओपनर है, मैं दोनों ओपनर के साथ और इनका बैटिंग ऑर्डर भी आ जाता है, मैं इन दोनों के साथ जा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं बैट्समैन में, बैट्समैन में देखिए यहाँ पर आज मेरा सबसे पहले सेफ पिक के रूम में रहने वाला है जसवाल। जसवाल को लेने के बाद देखिए मैं यहाँ पर एस सिंह को लूँगा। पंजाब किंग के तरफ से थोड़ा नीचे बैटिंग ऑर्डर आएगा लेकिन लाजवाब प्रदर्शन करने का उम्मीद और संभावना है, इसलिए मैं अपने टीम में इसे ले लिया हूँ और ये अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है यार रोशो 3 नंबर में करेगा लेकिन सिलेक्शन पसंद रहा है कभी अच्छे। डर्न कार्ड यूनिक के रूम में ऐसे योदयाल डी जियोल को मैं अपने टीम में लूँगा, यूनिक के साथ साथ रिक्सेबल भी होगा, डर्न कार्ड यूनिक होगा, पूरे 5 नंबर जिस प्रकार से इनका बैटिंग ऑर्डर आता है उस प्रकार से फॉर्म अच्छे हैं,
मैंने इसे लिया हूँ, 3 बैट्समैन में 2 बैट्समैन सेव लिया हूँ, 1 रिक्सेबल बैट्समैन लिया हूँ। अब ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आर अश्वनी, आर परेरा, समकरण दोनों को लिया हूँ, तीनों ऑलराउंडर को लिया हूँ, तीनों का तीनों ऑलराउंडर सेव है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में आप चाहें तो मैं अभी हर्षल पटेल को अपनी टीम में लूँगा और ईशांत शर्मा को लूँगा। आप चाहें तो ट्रेंट बोल्ट को ले सकते हैं, लेकिन मैं आज ट्रेंट बोल्ट को छोड़कर ईशांत शर्मा को लूँगा, क्योंकि अच्छे खासे रिकॉर्ड अभी है इस आईपीएल के दौरान चल रहा है। मैं यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट छोड़कर हर्षल पटेल, ईशांत शर्मा और हरदीप सिंह को लूँगा। ये तीन बॉलर जो है मेरा अच्छे खासे यूनिक होगा, अच्छे खासे होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, मैंने यहाँ पर 3 बॉलर लिया हूँ। 3 बॉलर में सबसे पहले मेरा हरदीप सिंह है, ईशांत शर्मा है, हर्षल पटेल है। अब यहाँ पर है 3 ऑलराउंडर, आर अश्वनी, समकरण, आर परेरा। अब यहाँ पर मेरा 3 बैट्समैन है, जसबॉल, एस सिंह, उसके बाद है जडियोल। अब 2 बैट्समैन है, 2 विकेट कीपर है, पहला है संजू समझे ज्वाइनी बेस्ट। अब नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद देखिए हर कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन देगा यहाँ पर संजू समसम को, क्योंकि संजू समसम अभी काफ़ी फॉर्म में है, इसलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन देगा। लेकिन मैं थोड़ा यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन दूंगा। मेरा टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन जसवाल रहेगा, क्योंकि इसमें कैप्टनसी कम है, इसलिए मैं जसवाल को कैप्टनसी दिया हूँ और संजू समसम को 28% कैप्टनसी है, इन्हें मात्र 16% है। मैं कैप्टनसी यहाँ पर उसे जसवाल को दिया हूँ। वॉइस कैप्टन के रूम में आज देने वाला हूँ हर्षल पटेल या ईशांत शर्मा। मैं हर्षल पटेल को वॉइस कैप्टन दिया हूँ। अब मैं सेव टीम करता हूँ। सेव टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है, ध्यान से देखिएगा। मेरा टीम का परव्यू अभी फ़िलहाल के लिए इस तरह से रहेगा, इस तरह से मेरा टीम का परव्यू रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।